इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ए टू जी शॉर्टकट कीज। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का इस्तेमाल है ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। ऑल टेक्स्ट या उसमें जो आपने इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स, जो कुछ भी आपने लिखा है, मसलन मेरे पास ये फाइल ओपन है और इसमें ऑल टेक्स्ट को या पूरे डॉक्यूमेंट को मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल ए का हम इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल ए से देखें तो सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। मैनुअल सिलेक्ट करने के लिए ऑल टेक्स्ट आपको क्या करना पड़ता है, होम टैब में जाकर बिल्कुल एंड पे आप देखें तो एडिटिंग का ऑप्शन है, इसमें थर्ड वन हमारे पास सिलेक्ट और इसमें सिलेक्ट ऑल पे आप क्लिक करोगे तो सारा टेक्स्ट जो है आपका सिलेक्ट होगा। लेकिन शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल ए से ऑल टेक्स्ट या सिलेक्ट सब कुछ जो है इसके अंदर जो लगा हुआ है वह सारा सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी को आप इस्तेमाल करते हो अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। मसलन मेरे पास ये पैराग्राफ है और इसको थोड़ा मैं मोटा करना चाह रहा हूँ तो आप क्या करते हो कंट्रोल बी का इस्तेमाल करोगे। कंट्रोल बी मैं प्रेस करूँगा तो देखें ये टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। तो कंट्रोल बी का इस्तेमाल हुआ टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। मैनुअल आपने बोल्ड करना है तो आपको होम टैब में फॉन्ट वाले बॉक्स में ये बी मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी को इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ, ऑब्जेक्ट या इमेज को कॉपी करने के लिए। मसलन मेरे पास ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को मैं करता हूँ सिलेक्ट और कंट्रोल सी मैं प्रेस करूँगा। कंट्रोल सी प्रेस करने से पहले मैं क्लिपबोर्ड को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये साइड पे क्लिपबोर्ड आ जाएगा। अब जैसे ही मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो ये पैराग्राफ जो है वो क्लिपबोर्ड में देखें तो कॉपी हो गया है। तो किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट हो सकता है वो इमेज हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप उसे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो वो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा और फिर आप कहीं पे भी उसे पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी डिफॉल्ट फॉन्ट। मसलन आप अपने पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं तो उसे सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो फॉन्ट वाले बॉक्स में उसका स्टाइल, फॉन्ट साइज और फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो। और इसके अलावा मजीद सेटिंग में जाने के लिए आप ये ट्रिगर फायर करते हो और ये विंडो आती है जिसमें मजीद सेटिंग्स आप अपने पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो। तो ये ट्रिगर फायर करने के लिए या ट्रिगर ये डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आप कंट्रोल डी का इस्तेमाल करते हो जिससे आपका जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद आप फॉर्मेटिंग करके आप जो है अपने पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे सेटिंग तब्दील करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल एफ, कंट्रोल डी का इस्तेमाल हुआ डिफॉल्ट फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का इस्तेमाल है हमारे पैराग्राफ की अलाइनमेंट को सेंटर करने के लिए। मसलन अलाइनमेंट हमारे पैराग्राफ की 4 तरह की होती है, वो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे। मैं इस पैराग्राफ को करता हूँ सिलेक्ट और हमारे पास कंट्रोल ई में प्रेस करता हूँ तो देखिएगा इसके पैराग्राफ के ऊपर अलाइनमेंट जो है वो सेंटर अप्लाई हो जाएगी। सेंटर अलाइनमेंट में ना तो हमारी लेफ्ट साइड से लाइनें बराबर होती हैं ना ही राइट साइड से बराबर होती हैं। तो कंट्रोल ई का इस्तेमाल है पैराग्राफ की अलाइनमेंट सेंटर अप्लाई करने के लिए। आप नेक्स्ट भी अभी देखेंगे बाकी अलाइनमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल ई है पैराग्राफ की अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए। तो इसको मैं लेफ्ट अभी कर देता हूँ। तो कंट्रोल ई का इस्तेमाल हुआ पैराग्राफ की अलाइनमेंट को सेंटर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का भी इस्तेमाल करते हो किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। मसलन मैंने तलाश करना है कि इस पूरे पेजेस में या इस पूरे डॉक्यूमेंट में स्कूल का कीवर्ड कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप उसको तलाश करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। आप प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेविगेशन पैन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो भी आपने टेक्स्ट जो है वो फाइंड आउट करना है वो आप इस नेविगेशन पैन में लिख दें। मैं जैसे स्कूल का कीवर्ड इसमें लिखता हूँ तो देखिए हमारे पास जहाँ जहाँ पर स्कूल का कीवर्ड है वो हमें तलाश करके हाईलाइट करके ये सॉफ्टवेयर बता रहा है। तो किसी भी टेक्स्ट को फाइंड या तलाश करने के लिए आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, आपके पास नेविगेशन पैन ओपन होगा और फिर उसमें टेक्स्ट लिखेंगे जो आपने फाइंड आउट करना होगा और आपको ये आसानी से फाइंड करके वो टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा। आपने मैनुअल इसे फाइंड आउट करना है शॉर्टकट की के अलावा तो आप होम टैब में बिल्कुल एंड पे जाएं तो टॉप साइड पे देखें तो फाइंड का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करें तो नेविगेशन पैन ओपन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी को इस्तेमाल करते हैं गो टू ऑप्शन को यूज़ करने के लिए। गो टू ऑप्शन क्या चीज़ है, मसलन मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा हमारे पास
और इसमें आप देखें तो हमारे पास गो टू ऑप्शन सिलेक्टेड है, और इसमें हमें पूछ रहा है हमसे कि आपने किसी पेज पे जाना है, किसी लाइन पे जाना है, किसी बुक मार्क पे जाना है, किसी कमेंट पे जाना है, किसी फुट नोट पे जाना है, तो आप कहां पर मूव करना चाह रहे हैं। मैं यहां से पेज को सिलेक्ट करता हूं और यहां पे मैं कहता हूं मुझे पेज नंबर 3 पे लेके जाओ, और जैसे ही मैं गो टू पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे पेज नंबर 3 पे, अगर आप देखें तो ये पेज नंबर 3 पे लेके आ गया बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो आप गो टू ऑप्शन को ओपन करने के लिए कंट्रोल जी का इस्तेमाल करते हो, जहां पर आप अपना ही रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन, रिक्वायर्ड पोजीशन बताते हो और वहां पे आपको मूव करवा के लेके जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच को इस्तेमाल किया जाता है रिप्लेसमेंट के लिए। रिप्लेसमेंट, अभी कंट्रोल एच को प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और ये वही गो टू वाला ही डायलॉग बॉक्स है, लेकिन अगर अभी आप देखें तो ये अभी रिप्लेस वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है। मसलन मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर स्कूल लिखा है वहाँ वहाँ पे कॉलेज लिखा जाए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलेज, और पहला ऑप्शन, पहला टेक्स्ट बॉक्स में हम लिखते हैं कि किस चीज़ को आपने रिप्लेस करना है, और दूसरे में हम लिखते हैं किस के साथ रिप्लेस करना है, और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है होते हैं कि आपने वन बाई वन रिप्लेस करना है या इकट्ठा ही सबको रिप्लेस कर देना है। तो आप अगर चाहते हो कि ऑल रिप्लेस कर दे एक ही टाइम में, तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास छोटी सी एक विंडो आई है, मैसेज आया है जिसमें हमें बता रहा है 16 रिप्लेसमेंट आप की हो गई है, मतलब 16 जगहों पे स्कूल लिखा हुआ था और कॉलेज लिखा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिप्लेसमेंट वाले ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम शॉर्टकट की जो हमारी है वो कंट्रोल एच को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई को आप इस्तेमाल करते हो अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए, इटैलिक फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए। मसलन मेरे पास ये पैराग्राफ है टॉप वाला, और इसके ऊपर जैसे बोल्ड हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, इसी तरह आपने इटैलिक फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आप कंट्रोल आई का इस्तेमाल करते हो। तो ये देखें टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाएगा, तो कंट्रोल आई को हम इस्तेमाल करते हैं अपने पैराग्राफ या टेक्स्ट या जो चीज़ भी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर इटैलिक फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम कंट्रोल आई का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट शॉर्टकट की उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे को हम इस्तेमाल करते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट अपने पैराग्राफ की सेट करने के लिए। तो जस्टिफाइड अलाइनमेंट क्या होती है, मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं तो अभी हमें पता है कि लेफ्ट अलाइनमेंट जो है वो अप्लाई है इसके ऊपर। तो जस्टिफाइड ये होता है कि आपकी लाइनें दोनों साइडों से बराबर हो जाती हैं पैराग्राफ की। अभी देखें तो राइट साइड पे लाइनें बराबर नहीं है, जैसे ही मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो ये देखें हमारे इस पैराग्राफ के ऊपर जस्टिफाइड अलाइनमेंट अप्लाई हो चुकी है। तो आप कंट्रोल जे की मदद से पैराग्राफ के ऊपर जस्टिफाइड अलाइनमेंट जो है वो अप्लाई करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल के। कंट्रोल के को आप इस्तेमाल करते हो हाइपरलिंक बनाने के लिए। हाइपरलिंक क्या होता है, कोई भी लिंक जिस पे आप क्लिक करें तो कोई और जगहों पे आप मूव कर जाएं, या किसी फाइल को ओपन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। मसलन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो हेडिंग है इसको मैं क्लिक करूँ तो वेब ब्राउज़र ओपन हो और google.com जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाए, उसके लिए मुझे इसे हाइपरलिंक बनाना पड़ेगा इस टेक्स्ट को। हाइपरलिंक बनाने का तरीका ये है कि आप पहले तो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल के, और आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और इसमें आप नीचे देखें तो एड्रेस वाला हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पर आप जो वेबसाइट ओपन करवाना चाह रहे हैं इस पर क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पे देखें तो मैंने लिख दिया www.google.com, और जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखिएगा इसका कलर ब्लू हो गया, और अब मैं कंट्रोल के साथ इसके ऊपर प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास वेब ब्राउज़र ओपन हो जाएगा जिसमें google.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इट मीन्स हमने इसको हाइपरलिंक बनाया। तो हाइपरलिंक वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन करने के लिए आप कंट्रोल के का इस्तेमाल करते हो। मैनुअल आपने जाना है तो आप इंसर्ट में जाते हो और उसके बाद लिंक वाले ऑप्शन में जाके इसे आप क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल एल शॉर्टकट की। कंट्रोल एल को हम यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट अप्लाई करने के लिए। मसलन अभी हमने इसके ऊपर अप्लाई की थी जस्टिफाइड कंट्रोल जे से, अब मैं ये चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड से हमारी लाइनें बराबर रहें, राइट साइड से ना हो, तो उसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट जो डिफ़ॉल्ट पहले से अप्लाई होती है, मैं कंट्रोल एल प्रेस करूँगा तो ये देखें इसके ऊपर लेफ्ट अलाइनमेंट जो है वो अप्लाई हो गई है। तो पैराग्राफ के ऊपर अलाइनमेंट लेफ्ट अप्लाई करने के लिए आप कंट्रोल एल शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम को आप यूज़ करते हो लेफ्ट इंडेंट के लिए। अब लेफ्ट इंडेंट है क्या, पहले हम थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
अगर मेरे पास ये पैराग्राफ है, इसमें मैंने क्लिक किया हुआ है, और यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास रूलर जो है वो लगे हुए हैं। इसमें तीन आइकॉन्स हैं हमारे पास, एक टॉप है, इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो फर्स्ट लाइन इंडेंट लिखा आ रहा है। फर्स्ट लाइन इंडेंट का क्या मतलब होता है, इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो राइट साइड पे मूव करेगी, ये देखिए मूव कर रही है, आप इसे ड्रैग करेंगे तो। और इसी तरह अगर आप ये चाहते हो कि नेक्स्ट मैं लेके जा रहा हूँ तो ये देखें हैंगिंग इंडेंट आ रहा है। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है कि आपकी पहली लाइन मूव नहीं करेगी, बाकी सारी लाइनें जो है राइट साइड पे मूव करेंगी, ये देखें। और अगर आप चाहते हो सारी लाइनें इस पैराग्राफ की मूव करें राइट साइड पे तो आप लेफ्ट इंडेंट का इस्तेमाल करते हो, ये नीचे वाला आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ये देखें सारी लाइनें मूव कर रही हैं। तो एक तो ये है कि आप सारी लाइनें मूव करवाने के लिए यहाँ पे आइकॉन पे प्रेस करके आप ड्रैग करते हो, दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि आप क्या प्रेस करो पैराग्राफ में क्लिक कर दें और फिर आप कंट्रोल एम प्रेस करें तो देखें हमारा जो पूरा पैराग्राफ है वो राइट साइड पे मूव कर रहा है। तो लेफ्ट इंडेंट अप्लाई करने के लिए आप कंट्रोल एम का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन की मदद से आप अपना न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। मसलन अब मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट न्यू आपके सामने आ जाएगा। तो ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप कंट्रोल एन का इस्तेमाल करते हो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। अदरवाइज आपने बनाना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, फाइल में जाके न्यू में जाने के बाद आप यहाँ से ब्लैंक सेलेक्ट करते हो, मैनुअल आपने क्रिएट करना है तो। लेकिन शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल एन की मदद से आप न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ को इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी पहले से वर्ड डॉक्यूमेंट जो पहले से आपके पास किसी फोल्डर में कंप्यूटर में पड़ा है सेव डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का इस्तेमाल करते हो। आपके सामने कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं और यहाँ पे देखें ओपन ओपन का ऑप्शन आ रहा है और इस जब आपके सामने आएगा तो नीचे आपके फोल्डर्स आ जाएंगे और जहाँ से आपने वो डॉक्यूमेंट ओपन करना है उसे डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल ओ का इस्तेमाल हुआ किसी भी पहले से सेव शुदा डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी को इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटिंग के लिए। मसलन मेरे पास ये 4 पेजेस हैं और मैं इन्हें प्रिंटर से प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो प्रिंट कमांड क्या होती है, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा कि जब आप प्रिंट करेंगे तो ये पेजेस आपके इस तरह से प्रिंट होंगे। और यहाँ पे देखें तो आप पहले कॉपीज़ डिसाइड करेंगे इसकी कितनी कॉपीज़ बनानी है, फिर आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, फिर फर्दर फॉर्मेटिंग्स जो हैं वो आपने अगर अप्लाई करनी है तो ये वाला एरिया प्रिंट प्रीव्यू जो है वो देखने के लिए आप कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हो या प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए। अदरवाइज मैनुअल आपको क्या करना पड़ता है, फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो फिर प्रिंट वाला ऑप्शन आएगा आपके सामने। तो कंट्रोल पी का इस्तेमाल हुआ डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू का हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मसलन मैं आपके सामने एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं रैंडम फंक्शन की मदद से हम 4 पैराग्राफ्स जो हैं वो लिखवा लेते हैं और हर पैराग्राफ में 4 सेंटेंसेस मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यह मैं सारे पैराग्राफ्स जो है सेलेक्ट करके इनकी जो ब्लैंक जो स्पेस दी हुई है पैराग्राफ के बिफोर और आफ्टर में उसे मैं कर देता हूँ ख़त्म। अब देखें तो पैराग्राफ की हर ये जो नीचे फॉर एग्जांपल वाला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है इससे पहले कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, इसी तरह ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले भी ब्लैंक स्पेस नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हो कि ये जो पैराग्राफ है इससे नेक्स्ट जो पैराग्राफ स्टार्ट होना है उसके बिफोर पैराग्राफ एक ब्लैंक स्पेस आप ऐड करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, शॉर्टकट की आपके पास क्या है, कंट्रोल क्यू आप प्रेस करेंगे, ये देखें तो अगले पैराग्राफ के स्टार्टिंग से पहले ब्लैंक स्पेस ऐड हो गई है। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल वाला जो पैराग्राफ है इससे नीचे जो पैराग्राफ है उसके स्टार्ट में भी ब्लैंक स्पेस ऐड हो जाए तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू इस्तेमाल करेंगे तो आप देखें ब्लैंक स्पेस ऐड हो गई है। इसी तरह आप इससे भी पहले ऐड करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल क्यू प्रेस करें तो ब्लैंक स्पेस ऐड हो गई है। तो पैराग्राफ के स्टार्ट में ब्लैंक स्पेस ऐड करने के लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब मैनुअल आपने वो बनाना है ऐड करना या रिमूव करना है तो आप पैराग्राफ वाले बॉक्स में अलाइनमेंट जहाँ पे लाइन हाइट है इसके बिल्कुल एंड पे देखिए तो हमारे पास 2 ऑप्शन है ऐड और रिमूव करने के लिए स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर को इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट की राइट अलाइनमेंट सेट करने के लिए। टेक्स्ट की राइट अलाइनमेंट क्या है, मसलन अभी आपके सामने ये पैराग्राफ है और इसमें आप देखें तो लेफ्ट अलाइनमेंट इसके ऊपर अप्लाई है और मैं ये चाहता हूँ राइट साइड से हमारी लाइनें जो हैं वो बराबर हो जाएं
और तो उसके लिए हमें राइट अलाइनमेंट इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो टेक्स्ट को मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल आर में प्रेस करूँगा तो देखिए इसके ऊपर राइट अलाइनमेंट जो है वो अप्लाई हो गई है। तो आप अपने पैराग्राफ के ऊपर राइट अलाइनमेंट सेट करने के लिए कंट्रोल आर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस को हम यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। तो इस डॉक्यूमेंट को अभी मैंने सेव नहीं किया तो मैं इसे सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, शॉर्टकट की इस्तेमाल करूँगा कंट्रोल एस, और हमारे सामने ये आ जाएगा ऑप्शन, हमारे पास विंडो आ जाएगी और यहाँ से आप क्या ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जिस फोल्डर में आपने इसको स्टोर करना है आप वो सिलेक्ट करेंगे, जो भी फोल्डर है। तो उसके बाद आपने फाइल का जो नाम देना है वो नाम देंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। तो अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फर्स्ट टाइम जब आपने सेव नहीं किया होता तो आप कंट्रोल एस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी को हम इस्तेमाल करते हैं हैंगिंग इंडेंट के लिए। अब हैंगिंग इंडेंट क्या, अभी मैंने आपको लास्ट बताया कि हैंगिंग इंडेंट ये होती है कि आप जब अपने पैराग्राफ की पहली लाइन के बजाय बाकी लाइनों को राइट साइड पर मूव करवाना चाह रहे हैं तो आप क्या यूज़ करोगे हैंगिंग इंडेंट का। और हैंगिंग इंडेंट के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। मैंने इस पैराग्राफ में क्लिक किया हुआ है और देखिएगा मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा तो हमारी पहली लाइन मूव नहीं करेगी, बाकी सारी लाइनें जो राइट साइड पे मूव कर रही हैं। तो ये हम हैंगिंग इंडेंट अप्लाई करने के लिए कंट्रोल टी का इस्तेमाल करते हैं। अगर सारी लाइनें मूव करवानी हैं तो फिर आपको याद होगा कंट्रोल एम हम इस्तेमाल करेंगे शॉर्टकट की, और अगर सिर्फ अपने हैंगिंग इंडेंट अप्लाई करना है तो इसलिए कंट्रोल टी का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल टी के बाद कंट्रोल यू। कंट्रोल यू को हम इस्तेमाल करते हैं अंडरलाइन करने के लिए। मसलन आपने कोई हेडिंग लिखी है, कोई पैराग्राफ लिखा है, उसके नीचे लाइनें लगानी है आपने, अंडरलाइन लगानी है, तो आप कंट्रोल यू का इस्तेमाल करते हो। मसलन मैं ये पहली लाइन के नीचे अंडरलाइन लगाना चाह रहा हूँ, या हमारे पास जो पहला डॉक्यूमेंट था उसमें मेरे पास ये इंट्रोडक्शन है, इसके नीचे मैं अंडरलाइन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो इसके नीचे अंडरलाइन लग जाएगी। और इट मीन्स हम अंडरलाइन लगाने के लिए कंट्रोल यू का इस्तेमाल करते हो। मैनुअल आपने लगाना है तो उसके लिए आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके होम टैब में ही आपके पास फॉन्ट वाले बॉक्स में तीसरे नंबर पे इटैलिक के बाद अंडरलाइन है, आप यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी को हम इस्तेमाल करते हैं पेस्ट करने के लिए अपने कॉपी किए हुए टेक्स्ट वगैरह को। मसलन अभी मैं आपके सामने ये टेक्स्ट जो है ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब इसी पैराग्राफ को कहीं नीचे मैंने पेस्ट करना है तो यहाँ पर कंट्रोल वी जो है वो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल वी, तो ये यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल वी की मदद से कॉपी किए हुए किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को, ऑब्जेक्ट्स को पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का आप इस्तेमाल करते हो अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। मसलन मैं ये चाहता हूँ ये डॉक्यूमेंट जो है क्लोज हो जाए, तो उसके लिए एक तरीका तो ये हमारे पास कि टॉप राइट साइड पे हमारे पास क्रॉस का बटन होता है, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये क्लोज होने वाली विंडो हमारे सामने आ जाएगी और हमसे पूछेगा क्या आपने इसे सेव करना है या नहीं। और शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, कंट्रोल डब्ल्यू आप प्रेस करेंगे तो यही विंडो दोबारा आपके सामने ये लिखी आएगी, आप उसे पूछेगा कि आपने सेव करना है या नहीं। अगर सेव करना है तो सेव पे क्लिक कर दें, या सेव नहीं करना तो डोंट सेव पे क्लिक कर दें, तो आपके सामने ये इट मींस कंट्रोल डब्ल्यू का हम इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को कट करने के लिए। मसलन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पहला पैराग्राफ है ये यहाँ से ख़त्म हो जाए, या फिर दूसरा जो पैराग्राफ है हम ये चाहते हैं ये यहाँ से ख़त्म हो जाए, और इस पैराग्राफ को मैंने किया सिलेक्ट और कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जहाँ पे नई प्लेस पे आपने इसको जाके पेस्ट करना है वहाँ पर आप जाके क्लिक कर दें, और फिर पेस्ट का आपको पता ही है हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल वी की मदद से हम पेस्ट कर लेंगे। तो इट मीन्स हमारे पास कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल हुआ किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को अपनी ओरिजिनल जगह से रिमूव करने के लिए और नई जगह पे ले जाने के लिए कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करते हो अपने टेक्स्ट को कट करने के लिए। सेकंड लास्ट हमारे पास है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई को आप इस्तेमाल करते हो रीडू किसी एक्शन को रिपीट करने के लिए। मसलन मैंने इस टेक्स्ट को किया सिलेक्ट इस पैराग्राफ को और यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो रेड कर देता हूँ, तो कलर को रेड कर दिया मैंने। मैंने कहा नहीं नहीं ये मैंने रेड नहीं करना था, ग्रीन करना था। तो अब मैं क्या करूँगा, या तो सिलेक्ट करके ग्रीन कर दूंगा या फिर इस वाले एक्शन को मैं रिवर्स करूँगा। तो रिवर्स करने के लिए क्या होता है हमारे पास कंट्रोल जी, जो इसके बाद अभी हमने पढ़ना है। कंट्रोल जी
इस्तेमाल होगा, कंट्रोल जी में प्रेस करूँगा, ये देखें ये एक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, वापस चला जाएगा। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं नहीं ये मैंने रेड ही लगाना था, ये एक्शन दोबारा रिपीट करवाना था रेड वाला, तो अब मैं कंट्रोल वाई का इस्तेमाल करूँगा, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वाई रीडू के लिए इस्तेमाल होता है, या एक्शन को रिपीट करवाने के लिए। तो अब मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो वही एक्शन दोबारा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ नहीं ये अब वापस हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो उसके लिए कंट्रोल जी का इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं ये पैराग्राफ जो है ये सिलेक्ट करता हूँ और मैंने ये डिलीट की से इसे डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ नहीं ये पैराग्राफ तो मैंने डिलीट नहीं करना था, तो फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी का इस्तेमाल करेंगे जो लास्ट हमारे पास शॉर्टकट की है अनडू करने के लिए, जो लास्ट आपने एक्शन परफॉर्म किया उसे अनडू रिवर्स करने के लिए, तो आप कंट्रोल जी का इस्तेमाल करोगे। इसी तरह वन बाई वन कंट्रोल जी आप प्रेस करते जाएंगे तो जितने भी आपने एक्शन लास्ट परफॉर्म किए होंगे वो वन बाई वन रिवर्स होते जाएंगे। तो कंट्रोल जी का इस्तेमाल हुआ अनडू के लिए और कंट्रोल वाई का इस्तेमाल हुआ रीडू के लिए। तो ये हमारे पास थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ए टू जी शॉर्टकट कीज़। इनके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।